हाँ जी, अब करेंगे टाइप 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। इसका फॉर्म होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। फंक्शन होता है साथ में इसका डेरिवेटिव होता है। और इसको आप बाय पार्ट से खोल दीजिए, फर्स्ट बहुत सुपर हिट को इंटू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अगले को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपस में कैंसल हो गए। तो आंसर क्या आया, एफ एक्स ई एक्स प्लस सी, एफ एक्स ई एक्स प्लस सी सुपर टाइप है। अगर हम पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं तो इस पार्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं इसके, काफी सब पार्ट में डी तक जाएगा ये, काफी वैरायटी है इसके अंदर। ठीक है जी, लो जी, जैसे क्वेश्चन होगा ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, पहचानो इसका डेरिवेटिव ये, खोल लो जी पहले वाले को करो, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है जी, साइन एक्स ई एक्स प्लस सी, साइन एक्स ई एक्स प्लस सी। ठीक है जी, आ गया, बस देखते जाएं, दो तीन क्वेश्चन करवाते हैं, बाकी आप खुद करें, स्ट्रेट क्वेश्चन आने का चांस में कम होता है। ठीक है जी, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। और जैसे क्वेश्चन देखिए, ई एक्स वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये इसका डायरेक्ट वन बाय एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर ई एक्स लगाओ जी, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। लो जी, वन बाय एक्स ई एक्स प्लस। ठीक है जी, तीन क्वेश्चन मैंने कराए, एक और देख लेते हैं, आपकी तसल्ली हो जाए, फॉर्म पहचानिए, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक्स, कॉट एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस कोसेकंट स्क्वायर एक्स ई एक्स डी एक्स। लो जी, क्वेश्चन तैयार है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। जितने आपको क्वेश्चन मैं कॉपी में करवा दूंगा या होमवर्क देते हैं इसको कर लो, उसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर ये कट गया आपस में, आंसर क्या है, कॉट एक्स ई एक्स प्लस सी। लो जी, होमवर्क में इसके क्वेश्चन लिख लो, ई एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई एक्स लॉग एक्स प्लस वन। देखना भी पड़ता है इससे क्या आएगा, जैसे e 2x 2 cos x माइनस साइन x dx, इसका डेरिवेटिव ये है, ध्यान रख लेना। ठीक है जी, और देखो
dx secant x plus tan x. ये क्वेश्चन करेंगे तभी आपके हाथ खुल जाएंगे. ये क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, होमवर्क है. और लिख रहा हूं, ये टाइप तो मस्ट एमआरपी में आता है, मस्ट रिवीजन प्रॉब्लम. ex tan इनवर्स x क्वेश्चन कर लोगे तो ये हाथ पक्का हो जाएगा इस टाइप. ठीक है जी. अब टाइप 9A करेंगे. पहले नोट कर लो इसे, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. क्वेश्चन को देखना भी पड़ता है किस लेवल का क्वेश्चन है. कुल मिला के 9D 9E तक क्वेश्चन है इसके अंदर. टाइप 9A. अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. ये होमवर्क में मैंने इसे लिखेंगे, कर लोगे तो बल्ले बल्ले. टाइप 9A. एक्स ई एक्स डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा, पेपरों में ऐसे प्लस वन माइनस वन कर लो, पेपरों में ऐसे क्वेश्चन का चांस ज्यादा होता है, जहां थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को फॉर्म में लाना भी पड़े. जब ऐसे नजर आ जाए तो आप सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है. देखेंगे एफ एक्स प्लस एफ डैश ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ई एक्स प्लस सी. फॉर्म से कंपेयर किया उस हिसाब से ये एफ एक्स है और ये प्लस करो नोट. एक क्वेश्चन और खींच देते हैं इन बिटवीन. एक्स ई एक्स डी एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री की पावर फोर प्लस थ्री माइनस थ्री. एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री की पावर फोर ठीक है जी. कंपेयर करेंगे ये एफ एक्स है, ये एक्स, देयरफॉर आंसर कंपैरिजन के बाद लिख देंगे वन ओवर एक्स प्लस थ्री का क्यूब ई एक्स पर ई एक्स प्लस सी. ई एक्स प्लस सी ठीक है जी. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. जैसे ये देखो
x ex dx, x plus 2 cos t plus 2 minus 2 ex dx. Yeah. ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव ये कंपेयर करके फॉर्म लिख के एस ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ई एक्स प्लस सी एफ एक्स ई एक्स प्लस सी. प्लस वन प्लस वन माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स. सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कुछ नहीं है इंटीग्रेशन. अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है आप जीत गए. फॉर्मूला जरूर लिखना है कंपैरिजन में. ये एफ एक्स है जी उसका प्लस सी. लो जी पॉज द वीडियो. 9A हो गया. ठीक है जी, अब 9B करेंगे. ठीक है जी, टाइप 9 है, कंप्लीट हो गया. इसके तो नॉर्मली मेरे को क्वेश्चन करवाने ही पड़ते हैं. ये क्वेश्चन भर लेना अच्छे से कॉपियों में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है जी, 9B. एक्स ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. सिचुएशन को भी समझना है, ये नहीं कि पागलों की तरह क्वेश्चन करना शुरू कर दें. अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स आएगा तो ऊपर टू एक्स की कमी है, ध्यान से देखो. प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स जो ये है वो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है. एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहां ले गए और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहां ले गए. ये तो पूरा कैंसिल हो गया. 1 और ई एक्स इसके साथ आ गया. 1 ई एक्स डी एक्स टू कॉमन ले लो. अब यहां पर वही सिचुएशन दोबारा से अराइज होगी. प्लस 1 माइनस 1 यहां पर वो फॉर्म लग गई. ठीक है,
अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। ई एक्स का क्या हो गया, ई एक्स यहाँ पर वही एफ एक्स, ई एक्स प्लस प्लस, ठीक है जी। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, कर लो नोट, पॉज द वीडियो, यहां लिखना जरूर है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स विच इज एफ एक्स ई एक्स प्लस सी। I hope pause the video, copy the answer. X plus 2 का होल स्क्वायर गायब है ऊपर से 4x plus 4 4x plus 4 ऐड कर लो और वही क्या कर दो, लेस कर दो, x plus 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा नीचे और x plus 2 यहाँ पे भी आ जाएगा ex dx ये पूरा कट गया माइनस 4 अब नीचे 2 है प्लस 1 माइनस 1 प्लस ये नहीं पड़ गया आपका टाइप 9B the video and copy the answer. Type 9c. 1 by log x minus 1 by log x ka square. Jab bhi log to diya ho पर x उसका डेरिवेटिव ना दिया हो तो आप हमेशा सामने e ले आओ। अगर यहां से log हटाएंगे ना तो सामने बेस में e आ जाएगा, तो यानी डेरिवेटिव करेंगे dx by dt that is equal to et et dt that is 1 by t minus 1 by t square et dt using form जी 1 by t e t plus c t हो गया log x और e t क्या हो गया x plus c, ठीक है जी। जब भी log अकेला हो और साथ में उसका derivative हो तो ऐसे लेंगे type चल रहा है log x, जैसे log x plus 1 का हो super type है, बहुत आया पेपरों में। ठीक है जी, log x को t लिया, x हो गया et,
dx by dt is equal to u. P plus 1 minus 1 लो जी फॉर्म में पहुंच गए. फॉर्म का ही तो खेल है सारा. ईटी हो गया एक्स तो जी टाइप 9C भी खत्म. ठीक है जी. सेकेंड पार्ट चल रहा है. लो जी अब करेंगे टाइप 9G. ये सुपर हिट टाइप चल रहे हैं, इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन. E2x over 1 minus cos 4x. जब भी E के साथ होगा क्वेश्चन ज्यादातर कटने वाले क्वेश्चन. इससे कट गया साइन 2x साइन 2x. ये आ गया कॉट 2x. ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर. ध्यान से देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या नजर आ रहा है, कोसेकेंट स्क्वायर. ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा देने की कोशिश की जाती है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़े. ठीक है जी. अब आप सीधे सीधे नजर आ रहा है सब कुछ. cot 2x e 2x dx. ठीक है जी. फर्स्ट n टू इंटीग्रेशन ऑफ sec 2 और सेकंड स्क्वायर 2x e 2x by 2 dx. ऐसे क्वेश्चन का चांस ज्यादा होता है कारण सिंप्लीफिकेशन भी है. ठीक है ना, कर लो नोट. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर.
ठीक है जी, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, कर लोगे तो बल्ले 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 भी बल्ले बल्ले ऐसे नहीं होती, बल्ले बल्ले मेहनत चाहिए होती है, क्वेश्चन करने पड़ते हैं। जी क्वेश्चन आपने करने हैं, इसलिए आप ही को ही करने पड़ेंगे। डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे, पेपरों में ऐसे क्वेश्चनों का चांस ज्यादा होता है। अब 9E पे आएंगे, दैट इज द लास्ट टाइप, और बाय पार्ट्स फिनिश। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, कॉपी द क्वेश्चन सॉरी। ये पांच क्वेश्चन दिए हैं मैंने, सॉल्व कर लेना, आपको दोबारा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइप 9E, लो जी, Ex Fx माइनस F डबल डैश X, ठीक है, कहानी वही है इसमें, Ex Fx F डैश X एट F डैश X लेस, ये जो सिस्टम बन गया, अगला वाला उसका डेरिवेटिव है। ठीक है जी, उसी तरीके से सोचिए पहले वाले के साथ, और इसमें ऑब्वियसली ये इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये इसके साथ आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये फॉर्म है, ये क्या है फॉर्म, फिट करना है और आंसर निकाल लेना है। तीन चार क्वेश्चन कराता हूं इसके, जैसे कि रिपीट अपने आप नजर आ रहा होता है, जैसे Ex साइन 2x और साइन 2x dx, ठीक है जी, रिपीट कर रहा है, ऑब्वियस डबल में ही करेगा रिपीट, प्लस 2 cos 2x एड माइनस 2 cos 2x माइनस, लो साइन 2x 2 cos x पर 2 cos 2x है, टू cos 2x, बस फिट करना है और लिख देना यूजिंग द फॉर्म, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, लो जी तो ये हो जाएगा sin 2x ex, इस वाले में हो जाएगा, फॉर्मूला जरूर लिखना है साथ में, नंबर कट जाएगा नहीं तो एक, ठीक है जी, ये डबल डेरिवेटिव वाला होगा, करो जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
ऐसे देखो फिर देखो ई एक्स लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय एक्स, चेंज लॉग एक्स प्लस वन बाय एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस कॉमन लिया बस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स ई एक्स और इसका हो जाएगा वन बाय एक्स डी एक्स प्लस सी, क्वेश्चन कर दिया पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लोच log log x plus 1 by log x का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो log t का डेरिवेटिव होता है 1 by t minus 1 by t, हरिओम। log t e t minus 1 by t e t प्लस सी, लो जी और टी को रिप्लेस कर दो, तो ये तीन क्वेश्चन कर लेना, यहाँ पर खत्म हो जाता है ये वाला मोटा मैथ। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जरूर करने हैं, ठीक है ना जी, नहीं करोगे तो फिर खुद ही दिक्कत में।